चलो इस बार 315 तक ले जाने का टारगेट है, बट ब्रेक टाइम पे लगनी चाहिए वरना हो जाएगा काम नई गाड़ी का बेचारे का। बता के नहीं लाया मैं उसे ब्लॉग। ओ भाई ब्रेक 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 330। सबसे पहले तो इसकी साउंड सुनो, और सब चीज़ें तो छोड़ो साउंड सुनो आप। यो हो, और लोग देखो फोटो ले रहे हैं भाई साहब। और ये देखो इसकी ये वाली गाड़ी भी काफ़ी कूल है। हे गाइस, बस मेरा नाम है फ्रैंकलिन, आप देख रहे हो फ्रैंकलिन के ब्लॉग्स। तो अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले, महीने भी नहीं हफ्तों पहले, लैम्बोर्गिनी ने नई अपनी कार लॉन्च करी थी जिसका नाम है लैम्बोर्गिनी सायन। तो ये जो है ये काफ़ी कम पीसीज अभी तक बने हैं, लेकिन मेरा एक दोस्त है उसने डिलीवरी ली है, मतलब ख़रीदी है ये गाड़ी। तो उसकी डिलीवरी आज होने वाली थी, तो उसने मेरे को कह दिया कि मैं डिलीवरी लेकर आ जाऊं, तो मैं उसको बस डिलीवर करने ही जा रहा हूं उसके घर पे। लेकिन ये गाड़ी भाई साहब इतनी ख़तरनाक है ना, मैं भी आपको इसकी टॉप स्पीड वगैरह चेक कराऊंगा एयरपोर्ट पे ले जाके, क्योंकि बहुत दिन से हम एयरपोर्ट नहीं गए हैं। तो वहाँ पे आपको इसकी टॉप स्पीड दिखाऊंगा, और कंट्रोलिंग के मामले में भी बहुत ख़तरनाक गाड़ी है ये। सबसे पहले तो इसकी साउंड सुनो, और सब चीज़ें तो छोड़ो साउंड सुनो आप। यो हो, और लोग देखो फोटो ले रहे हैं भाई साहब। भाई गजब है गजब। तो बाहर से पहले अच्छे से दिखा दूं आपको, फिर लेकर चलता हूं मैं वहां पर। तो अरे हाँ, तो ये देखो भैया कैसी मस्त लग रही है यार। नाम है लेम्बोर्गिनी सायन, SIAN। ये देखो, ओ तेरी भाई, एक नंबर की। और उसने तो कलर भी चटकीला सा लिया है, मतलब वो काफ़ी यंग सा है तो उसको ऐसे ही कलर ज़्यादा पसंद है। बैक से देखो कितनी ख़तरनाक लग रही है, और साउंड तो भाई इसकी अलग ही है, मतलब पता चल रहा है लेम्बोर्गिनी। और इंटीरियर दिखाता हूँ, इंटीरियर भी मेरे को गज़ब के लगे हैं इसके, मतलब मेरी वाली लेम्बोर्गिनी से तो बहुत अच्छे हैं इंटीरियर। ओए होए 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 होए, आप बताओ कमेंट सेक्शन में किसके आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मेरे को तो यार गदर लग रहे हैं। बाकी स्पीडोमीटर देखो, ओहो भाई इंटीरियर एक नंबर। क्या मेरी गोल्ड लैम्बोर्गिनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये लग रही है, आप बताओ मेरे को। नीचे इसके मैं वो दिख सुनाता हूँ आपको, आग देखना पीछे फ्लेम्स। ओए होए गजब भाई गजब। ओहो वो देखो भाई साहब, सब तारीफें कर रहे हैं, एक नंबर की गाड़ी है। तो निकलते हैं यहाँ से सीधा, पहले एयरपोर्ट जाते हैं। यार आवाज़ गज़ब आ रही है। अच्छा हाँ, इसका प्राइस तो बताना भूल गया, इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है $3.7 मिलियन। अराउंड अगर इंडियन करेंसी में बात करें कितने, 24 करोड़ के आसपास की हो गई। तो ये है उसका मतलब कि बिना गोल्ड वाला। मैंने तो गोल्ड लेम्बोर्गिनी पूरी कस्टमाइज़ करवाई थी, तब जाके मुझे 30 करोड़ की पड़ी थी, लेकिन ये तो भाई साहब खाली गाड़ी गाड़ी 24 करोड़ की है। तो इसलिए मैंने ये वाली गोल्ड में ले ली, क्योंकि मेरा बजट बहुत ऊपर हो जाता। अगर मैं ये गोल्ड में लेता तो बहुत महंगी पड़ती मेरे को। पर यार चलाने का मौका मिल रहा है, एक नंबर की गाड़ी है, और उसने मुझे सिर्फ इसलिए चलाने के लिए दिया क्योंकि मैंने भी अभी अभी लेम्बोर्गिनी खरीदी है, वरना तो उसे भाई भरोसा ही नहीं होता इतनी महंगी गाड़ी मेरे को देने का बिल्कुल भी। ओए होए होए होए, क्या गजब गाड़ी है भाई। आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको मेरी गोल्ड लेम्बोर्गिनी ज़्यादा पसंद आ रही है या फिर ये वाली पसंद आ रही है। मुझे इसकी टॉप स्पीड के मामले में अच्छी लग रही है। देखो ब्रेक्स भी ठीक है, बाकी अंदर पता चलेगा अच्छे से। अंदर चलते हैं, ये तो खोलेंगे ही नहीं एज यूजुअल, ये तो खुलेगा भाई, खुलेगा खुलेगा। चलो जी तो चलते हैं मेन रनवे पे, काफ़ी दिन बाद आया हूँ मैं वैसे भी आज यहाँ पे एयरपोर्ट पे। देखते हैं इसकी टॉप स्पीड। ओ भाई गजब है गाड़ी, तो मेरे ख्याल तो ये 350 पहुँच जाएगी। टॉप स्पीड तो मेरी वाली लेम्बोर्गिनी की भी अच्छी है, लेकिन ये वैसे काफ़ी अच्छी लग रही है उस वाली से। तो यहाँ टेस्ट करते हैं स्ट्रेट रोड पर। तो 3, 2, 1 गो। ओहो गजब, पिकअप मेरे वाले की मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, बट इसकी टॉप स्पीड ज़्यादा है, 300 पार कर जाएगी आराम से मुझे लग रहा है। यस यस यस, 300 हो गई है, बट ब्रेक मारनी पड़ेगी वरना दिक्कत हो जाएगी। वो तेरी भाई 300 पार कर गई। एक बार और चेक करते हैं, थोड़ा सा थोड़ा पीछे से लाऊंगा इस बार। इसकी टॉप स्पीड मेरे वाले से ज़्यादा है, पर प्राइस भी तो देखो यार लगभग 3 गुना ज़्यादा है, कौन खर्चेगा इतने पैसे। तो यहाँ से शुरू करते हैं, चलो इस बार 315 तक ले जाने का टारगेट है,
बट ब्रेक टाइम पे लगनी चाहिए वरना हो जाएगा काम नई गाड़ी का बेचारे का। बता के नहीं लाया मैं उसे ब्लॉग। ओ भाई ब्रेक 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 330, तो 330 की स्पीड पर पहुंच गई थी। अब थोड़े से कट्स वगैरह मार के देखता हूँ कि कंट्रोलिंग के मामले में कैसी है, पता चल जाएगा थोड़ा अच्छे से। यहाँ कट देते हैं, अच्छी है। ब्रेक्स इतनी खास नहीं लगी मुझे, अपने वाली की ब्रेक ज़्यादा अच्छी लगती है, पर वो मॉडिफिकेशन करवाई है मैंने शायद इसलिए अच्छी लगती है। ये भी अभी तो बेस वेरिएंट है पूरा, मतलब मॉडल तो हाई है, टॉप मॉडल है, लेकिन अभी मॉडिफिकेशन नहीं हुई है कुछ भी। अच्छी है यार, मेरे को साउंड प्यारी लग रही है इसकी। कमेंट सेक्शन में बताओ साउंड मेरी वाली की ज़्यादा अच्छी लग रही है इसकी, मुझे तो भाई इसी की अच्छी लग रही है ज़्यादा। ये देखो अंदर से, ओहो, और ये अंदर जो स्पीडोमीटर है ये माइल्स पर आर में दिखा रहा है, बाहर वाला किलोमीटर पर आर है, तो कंफ्यूज मत होना। क्या बात है, गजब है यार गाड़ी तो। तो चलो वापस लेकर चलते हैं, उसको देनी भी है, बेचारे की डिलीवरी आई है, फर्स्ट टाइम उसने एक लैम्बोर्गिनी लिया, तो कंग्रेचुलेशन भी बोल दो उसको कमेंट सेक्शन में। निकलते हैं निकलते हैं, मेरे घर के साइड में ही रहता है वो, पता नहीं घर पे होगा कि नहीं, पर ठीक है मैं डिलीवरी दे दूंगा, मेरा काम डिलीवरी देना है उसको, हो ना हो मुझे क्या मतलब है। रहना तू पल पल दिल के साथ। कुछ ज़्यादा ही क्राइम नहीं हो रहे लॉस सैंटोस में, पुलिस वाले जब देखो पीछे पड़े रहते हैं किसी ना किसी के। और इस गाड़ी की ना खड़ी खड़े खड़े भी आवाज़ काफ़ी आती है, मतलब कि वो वाली घर्र वाली घर्र, मतलब वो डिफेक्ट नहीं है कोई, वो आवाज़ है इसकी एग्जॉस्ट की अच्छी वाली। ब्रेक्स थोड़ी अच्छी हो सकती है मॉडिफिकेशन के बाद, पर ठीक है। पर लोग देखो भाई साहब, जहाँ मैं गाड़ी रोक लेता हूँ तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं और फ़ोटो लेने लग जाते हैं। मेरी गोल्ड लैम्बोर्गिनी को तो देख के कोई इतनी ज़्यादा नहीं करता भाई। कोई नहीं भैया, महंगी तो मेरी है फिर भी, भले ही उसको गोल्ड में करवाए इसलिए महंगी है। एक्चुअली ना वो लोगों को लगता ही नहीं होगा कि असली गोल्ड की है, मुझे पक्का पता है लोगों को लगता नहीं है कि गोल्ड की है, अगर उन्हें पता चल गया ना असली सोने की है तो खतरा भी हो सकता है चोरी का बहुत, क्योंकि बहुत महंगी है भाई, 30 करोड़ लगभग, कम नहीं होता 30 करोड़, इंडियन रुपीज़ की बात कर रहा हूँ। ये भी 24 करोड़ की है, बट ये अगर मैं सोने में लगा देता पूरी तो मेरे ख्याल 60-70 करोड़ के आसपास की पड़ती है गाड़ी, और इतना पैसा नहीं खर्चना था, था मेरे पास लेकिन मुझे खर्चना नहीं था, तो मेरे लिए वही अच्छी थी रिवेंटन। सही है यार, पिकअप विकअप भी मस्त है, बाकी टॉप स्पीड इसकी ज़्यादा है, पर कोई नहीं, वो भी 300 तक तो पहुँच ही जाती है आराम से, तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लो भैया पहुँच गए हैं, तो पहले मैं देखता हूँ उसके घर पे कोई है या नहीं है, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं अपने ही घर पे खड़ी कर दूंगा, जब आएगा वो दे दूंगा उसको डिलीवरी। क्या बात है, आवाज़ से तो प्यार हो गया मुझे इस गाड़ी के। अरे यार ये तो घर पे ही नहीं है, बट ठीक है यहाँ खड़ी कर देता हूँ, सेफ ही है यहाँ भी, कैमरा लगा रखे इसने। और ये देखो इसकी ये वाली गाड़ी भी काफ़ी कूल है। तो चलो यार इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, बाकी इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे मोड्स इंस्टॉल करने की वीडियो डाल रखी है, सारी गाड़ियाँ कैसे लाते हैं। और मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह की और एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका, बाय। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, too many things have been building, been hard to deal with.